स्टूडेंट्स, हम सेल के एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले माइक्रोस्कोपी को डिटेल से डिस्कस किया और आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। इस लेक्चर में हम सेल वॉल के जनरल इंट्रोडक्शन और सेल में पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के लेयर्स, उनका फंक्शन और लास्ट में हम सेल वॉल का लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। सेल वॉल क्या है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल में। मोस्टली ये प्लांट्स में पाई जाती है। और क्या काम होता है इसका? ये प्लांट की सेल को प्रोटेक्ट करने में, उसको शेप देने में हेल्पफुल होती है। लेकिन कुछ प्रोक्रियोट्स में भी सेल वॉल पाई जाती है जो कि डिफरेंट होती है प्लांट की सेल वॉल से, और एनिमल्स में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होती है प्रोक्रियोट से केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। केमिकली किस तरह डिफरेंट होती है कि जो प्रोक्रियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है उसमें मेन केमिकल जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है उसमें मेन केमिकल सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन इसमें जो मेन केमिकल है वो काइटिन पाया जाता है। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म से सेल वॉल को सेक्रेट या ओरिजिनेट किया जाता है। टाइप्स के लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली है प्राइमरी वॉल, सेकंड पे है मिडिल लैमेला और थर्ड पे है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल की, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल है सेलुलोज, पेक्टिन और हेमिसेलुलोज इसमें पाए जाते हैं। सेलुलोज इसमें क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होता है, और इसे प्राइमरी वॉल को हम ट्रू वॉल भी बोलते हैं। और थर्ड पे आती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका और वैक्सीज और लिग्निन केमिकल या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड पे है मिडल लैमेला। मिडल लैमेला सेकेंडरी वॉल और प्राइमरी वॉल दोनों के दरमियान में होती है, और ये सेल वॉल की शेप को मेंटेन करने के लिए या प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है। सेल वॉल के फंक्शन कौन से हैं? सेल वॉल है क्या? ये प्लांट के सेल के आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और इस वजह से ये सेल प्लांट के सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए, और केमिकल बैरियर के तौर पे भी एक्ट करता है। केमिकल बैरियर किस तरह? के मुख्तलिफ टाइप के जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल या साल्ट्स की मूवमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। केमिकल बैरियर के तौर पे सेल में सेल वॉल एक्ट करती है। थैंक यू फॉर दिस।